नवरात्रि पर अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ने का कर सकते हैं ऐलान। उन्होंने कन्नौज दौरे पर प्रेस वार्ता के दौरान दिए संकेत। दिन अच्छे आने दो, नवरात्र के दिन सब जानकारी होगी और हमारे कार्यकर्ता जिसको चाहेंगे वो चेहरा होगा। इस बार चुनाव चंदा वसूली के खिलाफ होने जा रहा है। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के दबाव बना करके जो चंदा वसूला है उसके खिलाफ मतदान होने जा रहा है। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्हें झूठा फंसाया गया है, जिस तरीके से मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार को झूठा फंसाया गया, जिस तरीके से विधायक इरफान को झूठा फंसाया गया, इसके खिलाफ मतदान होने जा रहा है। और जिस तरीके से गाड़ी पलटा करके इनकाउंटर दिखाने का काम किया उसके खिलाफ मतदान होने जा रहा है। जिस तरीके से जेल में हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से थानों में पीट पीट करके हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से इलाज न मिलने पर अस्पतालों में जान जा रही है, उन सब का हिसाब किताब जनता लेगी। ये शहर, ये लोकसभा वो क्षेत्र है जहाँ एक नौजवान ने अपनी डिग्री जला दी और कहा कि उस डिग्री से क्या फ़ायदा जिस जो नौकरी हमें न दिला सके। अपने पिता को, माँ बाप को चिट्ठी लिखे गया, बहन की शादी के लिए कह कर के गया और माफ़ी मांगते चला गया। क्या ये सरकार ऐसे ही विश्वगुरु बनाना चाहती है भारत को? सोचो, विकसित भारत यात्रा चलाई प्रधानों से पैसा वसूल करके, अपने इन्होंने अकाउंट भरे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के डर का दिखा कर, सबसे ज्यादा चंदा वसूलने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। और उसका ध्यान हटाने के लिए ये जानबूझ करके अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने का काम किया, क्योंकि ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर बहस नहीं करना चाहते हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड ने उनका बैंड बचा दिया है और जिस तरीके की चंदा की खबरें आ रही हैं उससे दुनिया में भारत की थू थू हो गई है।